हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को हल करेंगे, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स में जो नरेशन आते हैं, सर्वप्रथम हम नरेशन से शुरू करते हैं। नरेशन भी 2016 के पहले बताएंगे, उसके बाद 17, 18, 19, फिर 20, ऐसे करके हम नरेशन देखेंगे। फिर इसी तरह से इसी क्रम में हम सिंथेसिस देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे। इस तरह से हमारा पूरा जो ग्रामर पार्ट है कवर हो जाएगा, पूरा पेपर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए हम पेपर्स कैसे करते हैं। देखिए 2016 एग्जामिनेशन पेपर, यानी जो यह पेपर है 2016 में यह आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए देखिए द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली, व्हाई हैव यू कम। व्हाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट बदलना होता है, तो कुछ बातें याद रखना है। कुछ बातें क्या हैं? जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ से शुरू है, तो इनडायरेक्ट बदलते समय उसे ही हम कनेक्टिंग वर्ड बना देते हैं। तो देखते हैं, तो यहां तक करते हैं। द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली, क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया, इंटीग्रेटेड सेंटेंस है, तो सेट टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया। चलिए अब वाई से शुरू है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ से जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा तो उसी को हम कनेक्टिंग वर्ड बना देंगे। तो यहां हो जाएगा। अगला कंडीशन यह है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जब भी डायरेक्ट बदलते हैं तो असर्टिव बन जाता है। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या निगेटिव, अफर्मेटिव या निगेटिव मीन्स सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए इंट्रोगेटिव था तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हेल्पिंग लगा हुआ है, तो यह ध्यान देना है। बच्चे ही गलती कर दिया करते हैं, इनडायरेक्ट बदलते हैं तो वे भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ही लिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद लिखना है, क्योंकि हमें उसे असर्टिव बदलना है या इम्परेटिव या असर्टिव अफर्मेटिव या निगेटिव। तो देखिए वाई हो गया। फिर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट में बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द टीचर सेड टू मी, मी है इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसी के अनुसार बदलेगा। तो क्योंकि यह क्या है, ये जो यू है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। जब यह वर्ब के पहले प्रयोग होगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, जब वर्ब के बाद प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो यू है यह सब्जेक्ट ग्रुप इस्तेमाल किया गया है, यानी सब्जेक्टिव केस में है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यह ऑब्जेक्ट में बदलेगा। तो हमें यह सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस यहां लिखना पड़ेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, ठीक हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, आई हैड कम कम। कोई चाह तो गुम बदल सकते हैं, जब गुम बदलेगा तो गान हो जाएगा, एज यू लाइक, आपकी इच्छा। तो व्हाई आई हैड कम, सेंस के अनुसार यदि आप चाहें तो टू हिम लगा सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक हुआ द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली व्हाई आई हैड कम, ठीक है। कम टू हिम चांद नहीं सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं हो गया। हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन, जो टीचर है वो दोबारा फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो फिर पूछे ही हैं, फिर दोबारा पूछ रहे हैं, तो हम लिख देंगे
ही फर्दर आस्ड, ही फर्दर फर्दर लिख देंगे क्योंकि दोबारा पूछ रहे हैं, जब दोबारा पूछेंगे तो फर्दर लगा देंगे या अगेन लगा देंगे। बनाइए ही फर्दर आस्ड, ठीक है, ही फर्दर आस्ड अपने पास लगा दिया, फिर से बनाइए। देखिए ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या हेल्पिंग वर्ब शुरू है तो कनेक्टिंग वर्ड हमें इफ या वेदर लगाना पड़ेगा, तो इफ लगा देते हैं। इफ आई है ये फर्स्ट पर्सन नाउन है, सब्जेक्ट में बदलेगा तो ही हो जाएगा टीचर अनुसार ही, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। ही हैड नॉट, व्हाई ही हैड नॉट टोल्ड यू, देखिए फिर यू आ गया यहां पे, देखिए यहां पर जो यू है वह वर्ब के बाद प्रयोग किया गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट में बदलेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस वहां पर लिखेंगे, तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी वहां पर उतर जाएगा मी, फिर आगे लिखेंगे नेवर टू सी, नेवर टू सी योर योर फेस, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया है, इस आदमी में बदलेगा तो यह पॉसेसिव केस में है तो मी का पॉसेसिव केस यहां पर मई लगा देंगे। माई फेस, फिर अगेन, बस यह बन गया आपका, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए, ही सेड थैंक यू, थैंक यू ही सेड, थैंक यू क्या है, यह किस तरह का सेंटेंस है, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसे बदलिए। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें अस्पष्ट रूप से जो है कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसे ऐसे बना दीजिएगा, ही जो थैंक है ना या खुद ही रिपोर्टिंग वर्ब का, या जो खुद ही है या रिपोर्टिंग बन जाएगा, ही थैंक, ही थैंक यू, देखिए ही सेड थैंक यू, ही सेड थैंक यू, तो यू है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेंस के अनुसार आप कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं अपने मन से, क्लियर। हमने एक रूल बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, जैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, लेकिन फिर बात आती है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपने मन से कोई रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसी के अनुसार बदल देंगे, तो बदल जाएगा ही थैंक मी। तो इस तरह से यह आपका बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, ध्यान दीजिएगा, ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो इसमें क्या है, इसमें खुशी दिखाई जा रही है, ठीक है, यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कुछ भी जैसा कंडीशन होगा, तो इसमें खुशी दिखाई जा रही है ना, देखिए He said, "Oh, what an opportunity! कितना अच्छा अवसर, कितना अच्छा मौका, यानी बहुत ज्यादा खुशी दिखाई जा रही है। इस कंडीशन में जब हम एक डायरेक्ट बदलेंगे तो इसमें वेरी का प्रयोग कर देंगे,
तो ये बन जाएगा, देखिए आंसर टू का फर्स्ट, देखिए ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड किस तरह से, खुशी, खुशी सोच किया रही है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, क्लियर, कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे। यहां पर यह कोई सब्जेक्ट रूप में प्रयोग नहीं किया गया, तो अपने पास से आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो इट लगाइए, इट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यह प्रेजेंट टेंस में बात कही गई है, तब पास्ट में बदल देंगे तो हो जाएगा इट वॉज अ वेरी, देखिए इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्लियर, तो ये समझ में आपके आ गया होगा, ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, कितना अच्छा अवसर, कितना अच्छा मौका, ये गुड नहीं दिया है लेकिन फिर भी सेंस आ रहा है, तो अपने पास हमने यहाँ पे गुड का प्रयोग कर दिया, क्लियर, जैसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, देखिए ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जब भी मे से शुरू होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम विच में बदल देते हैं या कस में बदल सकते हैं या अभी कोई कंडीशन हो, तो यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है कि मे हिज फादर लिव लॉन्ग, मतलब उसके पिताजी बहुत ज्यादा दिन तक जीवित रहे, बन जाएगा ही विश दैट हिज फादर माइट मे का मैट हो जाएगा, यह जो है मे है वो सब्जेक्ट वर्ब प्रयोग हो जाएगा, मे का मैट हो जाएगा, ही देखिए ही विश्ड दैट हिज फादर माइट, फिर क्रिया उत्तर जाएगी लिव लॉन्ग, बस जो है जो आपका यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस था यह आपका सिंपल बदल गया, तो यहां पर हमने जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था उसे हटा दिया, क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तो देखिए सी विल से टू मी यू आर नॉट सिंसियर टू मी, तो बदलिए सी विल से टू मी विल दिया है या फ्यूचर टेंस में है, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है या फ्यूचर टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, से सब कुछ बदलेगा, और उस कंडीशन में जो से दिया है उसे हम टेल में बदल देते हैं, तो बदल जाएगा, देखिए यहां तो बदल ही पा रहे, आंसर थ्री का फर्स्ट, देखिए She will say है तो tell बदल जाएगा, tell to हट जाएगा, me that, ठीक है, यहां तक हो गया, फिर second person pronoun है, अभी मैंने बताया आपको कि second person pronoun को object में बदलते हैं, तो I हो जाएगा, यहां I हो गया, अब देखिए फिर यह verb जो है present continuous का verb है तो पास्ट में बदलना चाहिए लेकिन नहीं बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यह
क्रिया फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, यानी आर नहीं होगा एम हो जाएगा, आई के अनुसार एम हो जाएगा। एम नॉट सिंसियर टू मीडिया मी, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सी के अनुसार बदलेगा तो इसी पर क्या हो जाएगा हम हो जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव केस में है और इसके अंदर बदलेगा तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हर हो जाएगा। यहां बढ़ा देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, सिंसियर टू हर। चलिए अब मैं आपको सेकंड बताता हूं, द डिवोटी सेड अलॉस हिज ब्रू इज डेड। लॉस, लॉस क्या है, यह दुख दिखा रहा है, यह जो है दुख दिखा रहा है। इस कंडीशन में हमने अभी बताया कि इस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट आदि में बदल देते हैं। तो अलावा दिया जब वो आपने लॉस रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदल देंगे। तो बताइए द डिवोटी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है, द डिवोटी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तेलास का सेंस इससे आ जाएगा, ठीक है। तब हम अब हम एलास को हटा देंगे, हिज ब्रू इज डेड दैट, या हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई चेंज नहीं होगा, हिज ब्रू इज या तो आ जाएगा, हिज ब्रू वॉज डेड, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आपको अगला प्रश्न बताने चल रहा हूं, जिसे ध्यान से देखिए नेक्स्ट। तो देखिए ही सेड, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, ही सेड गॉड रूट्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ठीक है, यह सामान्यतः लोग इस बात को मानते हैं, ठीक है। तो यदि हम मानते हैं इस बात को तो इस कंडीशन में हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, ठीक है, यह जो है यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, यह आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है या कोई कहावत भी हो सकता है, तो हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। तो बदल जाएगा इसका आंसर फोर फर्स्ट, ही सेड, सेड का सेड ही रहने देंगे, कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो इसलिए सेड का सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट आता तो टोल हो जाता, फिर आगे उतर जाएगा दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, बस ये बन गया। गॉड शब्द यहां भी रहता हो कैपिटल लेटर रहता है, यह ध्यान दीजिएगा, और इसके लिए यदि कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, तो यह आपने देख लिया। चलिए सेकंड देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने अभी भी बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट वेयर व्हाई से शुरू होता है तो एक कनेक्टिव वर्ड बन जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इनक्वायर्ड आपने बदल देते हैं, तो बदलिए ही आस्क्ड मी व्हाई हो गया, फिर बदलेगा इसके साथ, यह सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस यहां आई हो जाएगा, और ये पास्ट इंडिविजुअल है पास्ट में बदल जाएगा, तो आई हैड स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म स्टक हो गया, वाई आई हैड स्टक, यह मी है
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसे इसके अनुसार बदलेगा। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हम हिम लगा देंगे, स्टक हिम। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो देखिए ही सेड वी आर ऑल सीनर्स। सीनर्स मतलब पापी, हम सभी लोग पापी हैं, कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, जाने जाने में कुछ हो जाता है। तो यह बात जो है सही मानी जाती है, इस कंडीशन में इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो बदलेगा इसे फाइव का फर्स्ट, ही से यदि ऑब्जेक्ट दिया रहता तो हम टोन बदल देते, ही से दैट दैट वी आर ऑल सीनर्स। ही सेड दैट वी आर ऑल सीनर्स, यह सही बात है। नेक्स्ट देखिए, रामा से दैट क्लियर, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो नहीं बनेंगे, यह असर्टिव सेंटेंस है, क्लियर है, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यह किसी व्यक्ति का नाम है रामा सेठ, तो इसके मतलब लगेगा तो रामा के यहां पर ही लग जाएगा, ही हो गया। इसके बाद क्या है, यह ईश्वर, तो बोलिए आई रामा का मतलब ही हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बदलता नहीं है, तो हैड लगा देंगे, हैड अ मीटिंग, मीटिंग लास्ट नाइट, लास्ट को प्रीवियस बदल देते हैं तो द प्रीवियस टेंस हो जाएगा, द द प्रीवियस नाइट। तो देखिए यह समझ में आपके आ गया होगा, यहां पर आंसर चाहिए तो लिख दीजिए, आंसर फाइव, फाइव का फर्स्ट सेकंड, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड बदलेगा ही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है टेंस नहीं बदलेगा, थर्ड हो जाएगा, पूरा उतर जाएगा, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा बस। नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट देखिए, द पुअर गर्ल सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी इन माई आवर ऑफ नीड। यह प्लीज हेल्प मी, यह इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में जब सर प्लीज काइंडली का प्रयोग होता है तो इंडायरेक्ट बदलते समय क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट बदल देते हैं और सर प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, क्योंकि उसका सेंस इसी से आ जाता है, क्लियर, तो बदल जाएगा। देखिए द आंसर सिक्स का फर्स्ट, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम, क्लियर, तो प्लीज हट गया। फिर आगे लिखेंगे टू हेल्प, टू हेल्प, क्लियर, तो प्लीज का सेंस इससे आ जाएगा, रिक्वेस्ट से आ जाएगा, फिर इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया है उसके ऊपर टू लगा दिया, आ देखिए मी बदल जाएगा, तो यह है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देयर है इसके अनुसार बदलेगा, पुअर गर्ल के बदलेगा तो क्या हो जाएगा, मी के जगह पर इस पुअर गर्ल के अनुसार सी आएगा,
तो चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हम यहां पर हर ले देंगे, हो गया। द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर मी हर इन, फिर इन हो गया इन। माई क्या है? पॉसेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इस पुअर गर्ल के साथ बदलेगा तो इसके लिए हमें सी माना हुआ है तो सी का पॉसेसिव केस हर हो जाएगा। हर हर माई के पर हर हो गया और ऑफ नीड बदल गया। तो द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर इन हर और ऑफ नीड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय सेड टू हिज टीचर मे आई इंटर द क्लास, देखिए तो बदलिए देखते हैं। सेकंड देखिए क्या बनेगा, द बॉय दबा सेट टीचर मे आई इंटर द क्लास सर 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 रिस्पेक्टफुली हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या किसी भी असर्टिव सेंटेंस में सर आता है तो उसके लिए हमें रिस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा और जब रिस्पेक्टफुली लगा देंगे तो उसका सेंस उसी से आ जाएगा और हम इसे हटा देंगे तो बन जाएगा दबा आज के हिज टीचर देखिए द बॉय आज के हिज टीचर सर के लिए रिस्पेक्टफुली हो गया, यहां तक हो गया हमारा। द बॉय आज के हिज टीचर रिस्पेक्टफुली, देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव वर्ड इफ हमें लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं इफ, फिर यहाँ यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया तो फिर बदलेगा इसके अनुसार बॉय को से बदलेगा तो जब बॉय को से बदलेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही हो गया। फिर मे क्वेश्चन चलिए बात लगाएंगे तो माइट हो जाएगा इफ ही माइट, इफ ही माइट इंटर द क्लास इंटर द क्लास, तो इस तरह से ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने देखा मैंने 2016 में जो नेशनल पेपर आया हुआ था पूरे का सॉल्यूशन बता दिया है, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछिएगा, अवश्य पूछिएगा। ओके।